अशोक एक पायलट था। वो समंदर में बोट चलाया करता था। अशोक के पिता ने जुए में अपनी सारी संपत्ति सुनील नाम के ठेकेदार के पास गिरवी रखी थी। अशोक हर महीने सुनील को घर की किस्त चुकाया करता था। अशोक की पत्नी अक्सर उससे पैसों की किल्लत के लिए चिल्लाया करती थी। कौन बोलेगा कि मैं एक पायलट की पत्नी हूँ? देखो मेरे गले में एक सोने की चेन तक नहीं है। मेरी सारी सहेलियाँ सोने में लदी होती हैं। कल तो ईशा ने पूछ भी लिया कि तेरा पति सच में पायलट है क्या? तुम तो मेरी हालत जानती हो ना कमला, जब तक मैं ये घर छुड़वा नहीं लेता तब तक मैं तुम्हारे लिए कैसे कुछ खरीदूं? हाँ हाँ, सदियाँ बीत जाएंगी इस घर को छुड़ाने में। ना ये घर छूटेगा और ना ही मेरे गले में सोने का हार आएगा। कमला गुस्से में वहाँ से चली गई और अशोक अपने पिता की तस्वीर से बातें करने लगा। काश कुछ ऐसा हो कि मैं सुनील से अपना घर वापस पा सकूं। अगर ऐसे ही मैं किश्त चुकाता रहा तो लगभग 10 साल लग जाएंगे, लेकिन ये घर वापस नहीं आ पाएगा। क्या बाबा, ये आपने क्यों किया? अगर आप जुए में इस घर को नहीं हारते तो आज मुझे इस घर के लिए इतना संघर्ष नहीं करना पड़ता। अशोक अपने हालात से परेशान था, पर उसने ठान लिया था कि वो अपने हालात जरूर सुधारेगा। इसीलिए वो ज्यादा से ज्यादा पैसे सुनील को लौटा रहा था। क्या बात है, इस महीने में ये दूसरी किश्त है? हाँ, अब बोनस के पैसे मिले थे तो सोचा किश्त ही अदा कर दूं। बहुत अच्छे। एक दिन की बात है, अशोक समंदर के किनारे चल रहा था तभी उसे किसी ने आवाज दी। अशोक, अशोक। अशोक पलटकर देखने लगा पर उसे कोई दिखाई नहीं दिया। उसे लगा ये शायद उसका आभास है और वो वापस चलने लगा। अशोक, यहाँ यहाँ यहाँ, नीचे देखो, नीचे 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 नीचे। जब अशोक ने जमीन पर देखा तो वहाँ दो बौने लिलीपुट्स खड़े थे। अशोक को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने अपनी आंखें मस ली। अशोक, ये सपना नहीं है, ये सच है। हम समंदर के बीच एक द्वीप पर रहते हैं। अगर तुम हमारी मदद करोगे तो उसके बदले हम तुम्हें सोना देंगे, वो भी बहुत सारा सोना। कैसी मदद? तुम बोट चला सकते हो। हर हफ्ते तुम्हें हमारी बोट चलानी होगी। पर क्यों? हमारे द्वीप पर सोना चांदी उगता है, अनाज नहीं उगता। हम यहाँ से हर हफ्ते अनाज ले जाते हैं। पहले जो हमारी बोट चलाता था वो आदमी अब बूढ़ा हो चुका है, इसलिए हम तुम्हारे पास आए हैं। बस बोट ही चलानी है ना? हाँ, पर याद रहे, जितना सोना हम तुम्हें देंगे तुम उतना ही लोगे। अगर गलती से भी तुम्हारे मन में लालच आया तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ हाँ, मुझे तो बस मेरा घर उस सुनील से छुड़वाना है। उसके लिए मैं कुछ भी करूँगा। आज रात 2 बजे हम तुम्हारा इंतजार करेंगे। ठीक है। रात के 2 बजे जब अशोक किनारे पहुँचा तो उसने देखा कि वहाँ एक मनी बोट खड़ी थी जो पूरी की पूरी पैसों से बनी थी। मैंने आज तक ऐसी बोट नहीं देखी। और देखोगे भी नहीं, ऐसी पैसों से बनी बोट दुनिया में एक ही है। वाह, इसे चलाने में बहुत मजा आएगा। अशोक बोट के अंदर बैठ गया और बोट चलने लगी। लिलीपुट उसको रास्ता बताने लगे। जल्द ही वो लोग लिलीपुट्स के द्वीप पर पहुंच गए। ये लो तुम्हारी मजदूरी। उस लिलीपुट ने अशोक के हाथों में 10 सोने के सिक्के रख दिए। ये असली सोना है? हाँ, 100% असली सोना है। अशोक सोने के सिक्के देखकर दंग था। हमारा पूरा द्वीप सोने से ही बना हुआ है। अशोक ने चारों ओर घूमकर देखा तो उसकी आंखें चौंधिया गईं। अब तुम बोर्ड वापस लेकर जा सकते हो। हम तुम्हें अगले हफ्ते वहीं मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू।
मतलब धन्यवाद। तो ऐसे बोलो ना, बेवजह कुछ भी अटपटा बोल रहे हो तुम। अब मैं चलता हूँ। अशोक बोट लेकर वापस किनारे पहुँचा। वो सीधा जौहरी के पास गया, वहाँ सारे सोने के सिक्के बेच दिए और एक सोने का हार भी खरीद लिया। वो पैसे लेकर सुनील के घर गया। क्या बात है, आज सुबह सुबह? ये रहे तुम्हारे सारे पैसे। क्या, इतने सारे पैसे तेरे पास कैसे आए? उससे तुम्हें क्या करना है, अपने पैसे लो और मेरा घर मुझे लौटा दो। ठीक है। सुनील को ये बात खटक रही थी। उसने अशोक का पीछा किया। अशोक अपने घर गया। कमला, कमला, क्या हुआ? अपनी आंखें बंद करो। पर क्यों? करो तो। अशोक ने कमला की आंखें बंद की और उसके गले में वो सोने का हार पहना दिया। अब अपनी आंखें खोलो। कमला ने आंखें खोली और वो हार देखकर दंग रह गई। सोने का है? हाँ, शुद्ध सोने का। पर कैसे? अशोक ने कमला को बौने लिलीपुट्स के बारे में बताया। ये सब बातें खिड़की पर खड़ा सुनील सुन रहा था। भगवान की हम पर कृपा है जो उन लिलीपुट्स ने तुम्हें चुना। तो ये माजरा है। अगले हफ्ते फिर उनकी बोट चलाने जाना है मुझे। अगले हफ्ते मैं भी उस द्वीप तक जरूर जाऊंगा। सुनील ने एक स्पीड बोट खरीद ली। एक हफ्ते बाद जब अशोक पैसों वाली बोट चलाने पहुंचा, तो सुनील ने उसका पीछा किया। सुनील अपनी स्पीड बोट में अशोक की पैसों वाली बोट का पीछा करने लगा। अशोक की बोट द्वीप पर पहुंची। बोनों ने अपना अनाज निकाला और फिर अशोक को सोने के सिक्के देकर भेज दिया। फिर सोने के पत्थर के पीछे छिपा हुआ अशोक बाहर आया। ओए लिलीपुट, मुझे इस द्वीप का सारा सोना चाहिए, सारा सोना। अच्छा, अभी देता हूँ। लिलीपुट ने अपने जादू से सुनील को भी लिलीपुट बना दिया। अरे ये क्या, ये मेरा शरीर कैसे बदल गया? आज से तू भी एक लिलीपुट है और तू इस द्वीप पर रहेगा हमारा गुलाम बनकर। नहीं, नहीं। बेचारा सुनील अपने लालच के कारण सोने के द्वीप पर फंस गया। नंद किशोर के दो बेटे थे, जीवन और लखन। जीवन बहुत ही शातिर और धूर्त था और धन का लोभी भी था। बाबा, हमारे भुवन काका हॉस्पिटल में एडमिट हैं। मुझे कुछ पैसे चाहिए उनके इलाज के लिए। नहीं नहीं, क्या जरूरत है? वो कौन से हमारे रिश्तेदार हैं जो उनके इलाज के लिए हम खर्चा करें? पर वो हमारे यहाँ कितने सालों से काम कर रहे हैं। तो क्या हुआ, उनके काम के लिए हम उन्हें तनख्वाह देते थे कि नहीं देते थे? वो कौन सा मुफ्त में काम करते थे हमारे यहाँ? लखन और जीवन इस बात पर बहस कर रहे थे। शांत, एकदम शांत। जब देखो तुम दोनों की बहस शुरू हो जाती है। लखन सही है, हमें भुवन की मदद करनी चाहिए। पर पापा। पापा वापा कुछ नहीं, भुवन सालों से हमारे पास काम कर रहा है। अब उसकी मुसीबत के वक्त हमें उसकी हेल्प करनी ही चाहिए। मुझे क्या, लुटाते रहो पैसा। जीवन गुस्सा होकर वहां से चला गया। नंद किशोर ने लखन को कुछ पैसे दिए और वो भी हॉस्पिटल चला गया। लखन ने वो पैसे हॉस्पिटल में जमा कर दिए। ये देखकर भुवन रोने लगा। छोटे मालिक,
आपकी बड़ी कृपा हुई हम पर, धन्यवाद छोटे मालिक। अरे काका, ऐसे रोइए मत, ये आपका हक है, हमने आप पर कोई उपकार नहीं किया है काका। लखन बहुत ही दयालु था, वो अक्सर अपने आसपास के लोगों की मदद किया करता था और शायद यही चिंता नंद किशोर को सताया करती थी। क्या हुआ मालिक, आज आप परेशान हैं? तुम तो जानते हो मेरी परेशानी का कारण। छोटे मालिक। हाँ, लखन कितना भोला है और जीवन कितना कपटी, मेरे जाने के बाद मेरी सारी जायदाद जीवन हथिया लेगा और बेचारा लखन अपने बड़े भाई से कुछ बोल तक नहीं पाएगा। तो आप पहले ही जायदाद का बंटवारा क्यों नहीं कर देते मालिक? नहीं भुवन, लखन को भी दुनियादारी समझनी चाहिए, इसलिए उसके सामने उसके भाई का असली रूप आना ही चाहिए। पर मालिक, तुझे मेरे मरने के बाद मेरा एक काम करना होगा। जी बोलिए। ये घड़ा तू अपने पास रख, मेरे मरने के बाद जब जीवन लखन को इस घर से निकाल दे तो ये घड़ा लखन को देना और बोलना कि इसमें रखे सिक्के जमीन में बो दे, इन सिक्कों से जो फसल आएगी वो लखन की जिंदगी सवार देगी। जैसी आपकी इच्छा मालिक। कुछ महीनों बाद नंद किशोर स्वर्ग सिधार गए और फिर बंटवारे का समय आ गया। बंटवारा बिल्कुल बराबर होना चाहिए। नहीं बिल्कुल नहीं, मैं बड़ा बेटा हूँ, मेरा जायदाद पर ज्यादा हक होगा। ये तो अन्याय है। न्याय अन्याय मैं नहीं जानता, पर क्योंकि मैं बड़ा बेटा हूँ तो मुझे ज्यादा जायदाद मिलनी चाहिए, इस जायदाद पे ज्यादा हक मेरा है। ये गलत है, हम इसका समर्थन नहीं करेंगे। जैसे भैया बोल रहे हैं वैसा ही ठीक है, उनको जितनी संपत्ति चाहिए उतनी दे दीजिए। पर बेटा, जब पापा ही नहीं रहे तो इन सब का मैं क्या करूँगा? जीवन ने जोर जबरदस्ती से सारी जायदाद अपने नाम करवा ली, बस एक छोटा सा खेत लखन के नाम पर छोड़ दिया। लखन तू कैसे जिएगा, तुझे अपने हक के लिए लड़ना चाहिए। जब तक मेरे पापा थे मैं लड़ सकता था, वही मेरी सबसे बड़ी संपत्ति थी। भैया को देखिए, पापा के जाते ही इनका तो रवैया ही बदल गया, ये गिद्ध की तरह संपत्ति पर आग गड़ाए बैठे हैं। अब इनके साथ एक घर में रहने का भी मेरा मन नहीं करता है। ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी। लखन अपना बोरिया बिस्तर लेकर उस खेत वाली कुटिया में चला गया। वो कुटिया टूटी फूटी थी, लखन को वहाँ रहने से ज्यादा तकलीफ अपने भाई के रवैये से हो रही थी। पापा, आप क्यों मुझे छोड़कर चले गए पापा? बोलिए पापा। लखन अपने पापा को याद कर ही रहा था कि तभी भुवन काका वहाँ आ गए। छोटे मालिक। काका, आप यहाँ पर? तुमसे बहुत जरूरी काम था छोटे मालिक। बोलिए ना। तुम्हारे पिताजी ने गुजरने से पहले मुझे ये घड़ा दिया था तुम्हारे लिए, उन्हें जीवन की मक्कारी का पहले से अंदाजा था। इसमें तो पुराने तांबे के सिक्के हैं। हाँ, उन्होंने कहा था कि ये मैं तुम्हें दे दूं और बोलूं कि इन सिक्कों को खेत में बो दो, और ये भी कहा था कि इन सिक्कों से जो फसल आएगी वो तुम्हारी जिंदगी संवार देगी। सिक्कों से फसल? सुनने में तो मुझे भी अटपटा लगा था, पर बड़े मालिक ने बोला है तो कुछ तो होगा ही। ठीक है काका। अगले दिन लखन ने उन सिक्कों को जमीन में बो दिया। वो रोज सारे खेत में पानी देता। कुछ ही दिनों में उसके खेत में अंकुर फूटे। लखन बहुत खुश था। काका, आपको क्या लगता है इन खेतों में क्या उगेगा? मुझे तो नहीं पता बेटा, पर जो भी हो तुम्हारे लिए अच्छा ही होगा। समय बीता और जल्द ही खेत लहलहाने लगा और पूरे खेत में पैसे उगने लगे।
पैसे देखकर भुवन और लखन दोनों दंग रह गए। दोनों ने पैसों की फसल की कटाई की और सारे पैसे बोरियों में भर दिए। बड़े मालिक सही बोल गए थे बेटा। हाँ, भुवन ने उन पैसों से खेत के अंदर ही बड़ी सी हवेली बनवाई। जल्द ही ये बात आग की तरह फैल गई। जब जीवन को पैसों के खेत के बारे में पता चला तो वो जलने भुलने लगा। काश वो पैसों का खेत मेरा होता, जिंदगी भर पैसे उगते रहते, मुझे कुछ काम करने की जरूरत ही ना होती। एक बार लखन से बात करके देखता हूँ। जीवन लखन के पास गया। देखो, हम दोनों सगे भाई हैं, तुम चाहो तो सारी संपत्ति रख लो, बस ये खेत मुझे दे दो। नहीं, बिल्कुल नहीं, तुम जैसे मतलबी आदमी को अपना भाई बोलने में मुझे शर्म आ रही है। आज के बाद अपनी शक्ल मत दिखाना, दूर हो जाओ यहाँ से। जीवन तमतमाता हुआ वहाँ से चला गया। ये देखकर भुवन खुश था, उसके छोटे मालिक समझदार हो गए थे। आज बड़े मालिक बहुत खुश होंगे छोटे मालिक। वो क्यों? वो चाहते थे कि आप दुनियादारी सीखें और आज आप वो सीख गए। पैसों के खेत मिलने की वजह से लखन का जीवन फिर से वैभवशाली हो गया और लखन को अपने भाई की असलियत का भी पता चल गया था।